गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विश्की वर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल महराज। टुडे वी विल डिस्कस अपॉन द टॉपिक एक्सप्रेशंस ऑफ द लेसन 3 कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स ऑफ क्लास 11th। आज आप टॉपिक एक्सप्रेशंस से डिस्कस करांगे, जेड़ा कि एक माइनर जो टॉपिक है थर्ड लेसन का, कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स से अपना डेटा टाइप्स का। ओके, तो एक्सप्रेशंस बच्चों तुहानू पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस की होंगे है। बेटा आप थर्ड चैप्टर के विच ये देखा कि कॉन्स्टेंट्स से स्टडी की, कॉन्स्टेंट्स की होंगे है, डेटा टाइप्स की होंगे है, वेरीएबल्स की होंगे है ना। तो हुण आपां एक्सप्रेशंस देखने हैं कि जदों असी एक ही स्टेटमेंट के विच एक तो ज़्यादा वेरीएबल्स, एक तो ज़्यादा ऑपरेटर्स या एक तो ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स यूज करते हैं तो उन्होंने असी की कह दें एक्सप्रेशन। तो तुहानू मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल दिनी एक्सप्रेशन की। देखो राजे, मान लो x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस सी। तो हुण ये जिहड़ी साडी स्टेटमेंट है इहनू असीं की कहांगे, एक्सप्रेशन। की कहांगे? एक्सप्रेशन, क्योंकि इहदे विच असीं किन्ने वेरीएबल्स यूज़ कर रहे हैं जां ऑपरेंड्स किन्ने यूज़ कर रहे हैं, इहनू असीं ऑपरेंड्स भी कहिंदे आ। a b c, a b c ये तुहाडे की हुंदे ने, ऑपरेंड्स, या फिर तुसी इन्हों पिछले चैप्टर च पढ़ के आए हो वेरीएबल्स। इन्हां नूं असी वेरीएबल्स भी कह दें या फिर ऑपरेंड्स भी कह दें। ठीक है, तो साडे कोल जिहड़े हुण ऑपरेटर्स ने, असी एक मल्टीप्लाई यूज़ किया तो एक यूज़ की किया होया प्लस, तो ये साडे की होंदे राजे, ऑपरेटर्स। तो असी एक्सप्रेशन की डेफिनेशन की दे सकते हैं, वन और मोर ऑपरेंड्स और वेरीएबल्स और कॉन्स्टेंट्स एंड वन और मोर ऑपरेटर्स इज कंबाइंड नोन एज एक्सप्रेशन। जदों असी दो या दो तो ज़्यादा वेरीएबल्स कॉन्स्टेंट्स यूज़ करते हैं तो नाल उन्होंने की यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, तो उन्होंने असी की कहने होंगे, एक्सप्रेशन। देखो राजे, जिमें लाइक एक्स इज इक्वल टू, मैं इस तरह लिख दिनी हूँ, 2 × 3 − 4। ठीक है, तो यह भी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन दे विच किन्ने ज़्यादा असी ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, किन्ने ज़्यादा कॉन्सटेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हुण तुसीं कहोगे कि 2, 3, 4 ये सारे अपने की है, कॉन्सटेंट्स, जिहड़े कि आपां लास्ट चैप्टर दे विच रीड करके आए हैं। ठीक है, हुण तुहानूं मैं एक इहनूं एक्सप्रेशन नूं सॉल्व करन दा जो है मैथड, उहदे बारे आपां डिस्कस करांगे कि असीं एक एक्सप्रेशन नूं सॉल्व किवें करना है। लाइक मैं तुहानूं एक स्टेटमेंट दे दिंदी हाँ कि y इज इक्वल टू 5 × 2 + 3। मैं थोनों ये कहनी हूँ कि बच्चों तुसी इनू सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो तुहाडे सब का जिहड़ा सॉल्व करन दा इसनू तरीका है कि वह अलग अलग होगा। मान लो एक स्टूडेंट ने किवें सॉल्व किया, फस्ट मैथड एक बच्चे ने किया इसनू सॉल्व कि 5 × 2 = 10 + 3, उहदा आंसर किन्ना आऊगा, 13। सैकेंड स्टूडेंट ने इनू किवें सॉल्व किया, 2 + 3 = 5, 5 × 5 = 25। नाउ वॉट इज़ द करैक्ट आंसर, थोनों किमें पता चलेगा कि इन विचों सही आंसर कहड़ा है, 13 इज़ अ करैक्ट और 25 इज़ अ करैक्ट। तो यह की है, एक एक्सप्रैशन सॉल्व करन दे लई साडे कोल कुछ प्रेसिडेंस बनाई होंदी हैं, अपने मतलब ऑपरेटर्स है जो उन्होंने प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी दी जाती है कि पहल के आधार पर असी ए वाला ऑपरेटर सॉल्व करना है, ए वाले ऑपरेटर सैकेंड टर्न आप सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपने को प्रेसिडेंस तां बनाई गई है कि एक एक्सप्रेशन असी किन्ने तरीके नाल सॉल्व कर सकते हैं, बट इट इज़ वी डिड नॉट गैट द राइट मैथड टू सॉल्व द एक्सप्रेशन। सो इतने आंसर्स वेरी कर गए, एक का 13 आया, एक का 25 आया। तो असी हुण ये देखना कि साडा जिहड़ा करैक्ट आंसर किहड़ा है। तो सब तो पहला तुसी की देखना है, ये अंडरस्टैंड करना है कि साडे कोल जो भी है ऑपरेटर्स है, ठीक है, उहदी असी प्रेसिडेंस बना लीए। तो तुसी एक एक्सप्रेशन नूं सब तो पहला याद रखना है कि तुसी लैफ्ट टू राइट सॉल्व करते जाना है, कि असी एक एक्सप्रेशन नूं कित्थों स्टार्ट करना है सॉल्व करना, लैफ्ट तो। ओके, तो फस्ट चीज़ तो असी अपने दिमाग च ही रखनी है। नैक्सट सैकेंड स्टैप की है, असी उस तो बाद जो ब्रैकट वाला पैरेंथिसिस यूज़ की हुई है किसी एक्सप्रैशन नूं एक ब्रैकटा दे विच पाया होया, तो सैकेंड नंबर पर असी वो वाला स्टैप नूं सॉल्व करना है। एंड थर्ड नंबर पर साडे कोल प्रेसिडेंस आ जाती है मल्टीप्लाई या डिवाइड की। ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉडुलस,
इन्हों तिना ओपरेटर के जेडे भी ओपरेटर लैफ्ट टू राइट देखो कि जोड़ा ओपरेटर इन चो सब तो पहला आ गया असी उन्होंने सोल्व करा। नंबर फोर तो आती है अपनी प्लस या फिर माइनस की, ठीक है कि असी जे प्लस वाला लैफ्ट राइट पहला आंदा है मल्टीप्लाई वाली सारिया एक्सप्रैशन सोल्व कर तो बाद असी उन्होंने सोल्व करना है। नंबर फाइव इज़ इक्वल टू लास्ट तो साढ़े को प्रेसिडेंस आती है इक्वल टू की। हुण असी यही एक्सप्रैशन सोल्व करिए इस तरीके नाल। देखो साढ़े को एक्सप्रैशन सी y इज इक्वल टू 5 × 2 + 3। ओके सब तो पहला साढ़े को देखना असी लैफ्ट टू राइट जाना, असी लैफ्ट तो स्टार्ट करांगे 5 तो। ओके आपां इत्थों देखना स्टार्ट करांगे, आपां देखांगे हुण कोई ब्रैकट वाला अपने कोई इनकलोज ब्रैकट कोई स्टेटमेंट ब्रैकट दे विच पाई हुई है, नहीं पाई हुई सी छोड़ो, ठीक है। नैक्सट थर्ड देखो मल्टीप्लाई डिवाइड तो मॉडलस चो कोई ओपरेटर आ रहा, इतों आप स्टार्ट किया मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई वाला केड़ा आ रहा साढ़े को आह वाला, तो असं इनू सोल्व करांगे स्टैप बाय स्टैप। वाई इज इक्वल टू 5 × 2 = 10 + 3 मल्टीप्लाई वाला सोल्व हो गया। उस तो बाद असी नैक्सट फोर्थ स्टैप साडा हैगा कि प्लस या माइनस टू एक देखांगे, तो वाई इज इक्वल टू साढ़े को आ गया प्लस, हूँ साढ़े को प्लस वाला ही रह गया लैफ्ट तो देखना स्टार्ट किया आह वाली एक्सप्रैशन रह गई 10 + 3 = 13। तो साढ़े को जो करैक्ट आंसर आया से यदा वो की आया 13 आया। ओके बेटा तो यह वाला मैथड है गया अपना एक एक्सप्रैशन सोल्व कर। हूँ मैं एक एक्सप्रैशन होर लैनी है थोड़ा अपना ज़्यादा ओपरेटर्स के ओपरेंट्स में देख के लईए उन्होंने सोल्व करके देखा, ठीक है। मान लो अपने को एक्स की वैल्यू है 4 / 2 + 3 - 1 + 6 / 2 दैन आप पहला इन्ना ही सोल्व करते हैं, ठीक है। हुण आपां प्रेसीडेंस देखिए आपां कित्थों स्टार्ट करना है, लैफ्ट तो स्टार्ट करना है असी स्टैप बाय स्टैप। असी स्टैप नंबर 1 बनावांगे, इहदा स्टैप नंबर 1 दे विच असी सब तो पहला ब्रैकट वाला देखांगे कि कोई ब्रैकट वाली अपने कोल स्टेटमेंट है इस दे विच नहीं है। नैक्सट स्टैप नंबर 1 च फिर असी की लवांगे जो साडा दूसरी पोजिशन सी किहदी सी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड जां मॉडुलस चो कोई ओपरेटर पहला आ जांदा है। तो हुण जे असी इधरों देखिए, ठीक है लैफ्ट तो स्टार्ट करिए साढ़े को डिवाइड वाला पहला आ गया, ठीक है 2 × 4 नाल डिवाइड करोगे तो कोशेंट साढ़े को बचेगा 2, फिर असी बाकी स्टेटमेंट नू उस तरह ही रिपीट करांगे। एक गल याद रखनी है कोई भी एक्सप्रैशन सोल्व करना है एक टाइम पर एक ही एक्सप्रैशन सोल्व होगा, एक टाइम पर एक ही अपने को जो स्टेटमेंट है माइनस स्टेटमेंट है वह सोल्व होगी। स्टैप नंबर 2 देखो एक्स इज इक्वल टू हुण दोबारा फिर देखो प्लस तो इधरों लैफ्ट तो स्टार्ट करते हुए कि साढ़े को मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस कुछ होर है, हाँ साढ़े को मल्टीप्लाई वाले एक होर स्टेटमेंट पई है असी उन्हें सोल्व करांगे इज 12, 6 × 2 = 12। स्टैप नंबर 3 च हुण असी देखांगे कि साढ़े को ना मल्टीप्लाई वाला कुछ बचा ना ही मॉडुलस वाला ना डिविजन वाला, तो हुण प्रेसीडेंस कि आती है प्लस या माइनस की, तो असी लैफ्ट तो स्टार्ट करते हुए 2 + 3 कि आएगा 5, फिर बाकी स्टेटमेंट में असं उस तरह ही दिखाएंगे। ओके स्टैप नंबर 4 एक्स इज इक्वल टू 5 − 1 = 4 + 12, तो स्टैप नंबर 5 एक्स इज इक्वल टू 16, तो साढ़े को जो करैक्ट आंसर आया है इसका वो क्या आएगा 16। बेटा ये मैथड है अपने एक एक्सप्रैशन सोल्व करने लिए, तो तुसी इसनों ध्यान नाल अंडरस्टैंड करना है कि असी एक्सप्रैशन नूं किवें सॉल्व करना है। एक एक्सप्रैशन आपां होल सॉल्व करिए, मान लो साडे कोल वैल्यूज देतियां ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 2, तो असी इत्थे लै लैने आ जैड इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस 6 डिवाइडेड बाय c प्लस 4 मॉडुलस बाय 3। आपां हुण ये एक्सप्रैशन लिया जिदे विच मैं वेरीएबल्स भी लाए कॉन्सटेंट्स भी लाए तो ओपरेटर्स भी लाए। ओके तो हुण असी इस नूं किवें सॉल्व करना है, देखो बेटा सब तो पहला स्टैप नंबर 1 असी देखांगे
कि असी अपनी प्रायोरिटी देखांगे, इस प्रोजेक्ट वाला कोई सी नहीं है, जे होगा तो अभी सब तो पहला उन्होंने सोल्व करना है। उस तो बाद असी मल्टीप्लाई या डिवीजन वाला देखांगे, तो हुण साडे कोल मल्टीप्लाई वाला ये एक्सप्रैशन आंदा है, ए दी वैल्यू किन्नी है 4 है, बी दी किन्नी है 3 है, तो 4 × 3 किन्ना होएगा 12, ए इंटू बी किन्ना हो गया 12 -6 डिवाइडेड बाय सी +4 मॉडुलस बाय 3। ओके, स्टेप नंबर 2, जेड इज इक्वल टू 12 माइनस, हुण साडे कोल लैफ्ट टू राइट जाते हुए साडे कोल ए वाला एक्सप्रैशन डिवीजन वाला पहला आ गया, 6 डिवाइडेड बाय सी, 6 नूं आपां 2 नाल डिवाइड करांगे, सी दी वैल्यू 2 है, तां किन्ना कोशेंट आएगा अपने कोल 3 +4 मॉडुलस इज 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3, जेड इज इक्वल टू 12 -3 +4 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3 इट इज़ नॉट अ डिवाइडर, इट इज़ अ मॉडुलस ऑपरेटर, बट वी विल डू डिवीजन। मॉडुलस ऑपरेटर की करता है, जिवें रिमाइंडर लैंदा है, ठीक है, जदों से डिवीजन ऑपरेटर लगाने लाइक जे असी ये लगाया हुंदा 4 डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर की आना सी 1। मॉडुलस च की है, यह रिमाइंडर जो साडा रिमाइंडर बाकी बच जाता वो आंसर लैंदा है, तो किन्ना आएगा 1। स्टेप नंबर 4, z इज इक्वल टू 12 -3 इज 9 +1 दैन z इज इक्वल टू 10, 10 इज आर आंसर। सो दिस इज़ द मैथड टू सॉल्व एनी एक्सप्रैशन, प्लीज कीप इट इन माइंड। हुण होम प्रैक्टिस लई मैं कुछ एक्सप्रैशनस दिनी हाँ जिहड़ी कि तुसीं खुद सॉल्व करके देखनी है। नंबर 1, सम इज इक्वल टू 5 /2 +3 -11 +6 डिवाइडेड बाय 2 -9। फर्स्ट वन इज दिस, एंड सेकेंड वन इज लाइक t इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय मॉड बाय 3 -12 +6 डिवाइडेड बाय 3 मॉड बाय 2 +9। तो ये बच्चे दो एक्सप्रैशनस मैं थोड़ा दे रही हाँ जी कि तुम होम प्रैक्टिस करनी है, इन्हों सोल्व करके वो भी स्टैप बाय स्टैप तुम्हें करना है। होप है कि तुहानू मेरा अज का लैक्चर जो एक्सप्रैशन के उपर सी शॉर्ट टॉपिक वो तुहानू चंगी तरह समझ आया होना है, तो ये जिहड़ी मैं तुहानू दो सम्स दे रही हाँ प्रैक्टिस के लिए ये तुसी जरूर सॉल्व करके देनी है देखनी है। थैंक यू बेटा, टेक केयर।